वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज खुशी का मौका है, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से तीसरी बार मथुरा का सेवा का मौका मिल रहा है। ये टारगेट जो करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें अच्छा रहेगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे नामांकन करने आई हूँ, मैं किसी और ने क्या कहा उसके बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं एक अच्छा काम करने के लिए आई हूँ। आप बार बार उन चीजों का मत पूछिए कि उन्होंने ये कहा वो कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई कम टू साइन माई नॉमिनेशन, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम फॉर मथुरा, आई कम हियर एंड आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट फॉर मथुरा, दैट इज द रीजन आई एम अगेन थर्ड टाइम आई एम स्टैंडिंग फॉर दिस इलेक्शन एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई प्राइम मिनिस्टर हु हैज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड अमित शाह जी एंड आवर पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी फॉर गिविंग दिस opportunity for the third time. So I'm grateful to him.